डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ विद प्रदीप में। अभी हम लोग इस समय परसेंटेज पर चर्चा कर रहे हैं। परसेंटेज पर कुछ टाइप के सवाल हो चुके हैं और आपके पास पीडीएफ जा चुका है। पीडीएफ के सवाल आप लगा रहे हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं जिसको अभी मुझे हल कराना है। तो अगर मैं हर बाकी जो जितने टाइप बचे हुए उन पर चर्चा कर लूँ तो मुझे लगता है कि कई सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएंगे। जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि परसेंटेज पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टाइप का काम हमने कर लिया। अब आगे बात करता हूँ कि जैसे सपोज करिए कि एक आदमी अपनी कोई इनकम करता है, कमाई उसका कुछ परसेंट वो किसी और को दे देता है, शिक्षा पर खर्च करता है, स्वास्थ्य पर खर्च करता है। अब उसके पास इतने पैसे बचे तो पहले कितने थे, ऐसे क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं तो उसको समझ लिया जाए। पहला टाइप का क्वेश्चन ये है कि एक व्यक्ति अपनी आय का एक्स परसेंट भोजन पर कामा वाई परसेंट वस्त्र पर तथा जेड परसेंट परिवहन पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास ए रुपए बचे हों तो पहले कितना था, या उसकी इनकम कितनी थी, ये सवाल है। सवाल फिर से सुन लीजिए। एक व्यक्ति अपनी आय का एक्स परसेंट भोजन पर, वाई परसेंट वस्त्र पर तथा जेड परसेंट परिवहन पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास ए रुपए बचे हैं तो पहले उसके पास कितना था, या उसकी इनकम क्या थी। इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला काम करता है, वो फार्मूला मैं लिखता हूँ, फिर क्वेश्चन करके दिखाता हूँ और फिर यह बताऊँगा कि यदि वह फार्मूला आपको ना याद होता तो और अच्छा था। ठीक है, देखो। तो उसकी आय, मतलब हम धन मान ले कि उसके पास कितना धन शुरुआत में था, वो ऐसे निकाला जाएगा 1 × 100 / 100 - x + y + z। ये है आपका फार्मूला। इस फार्मूले से आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उसके पास कितना धन था। हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। सपोज करिए कि उसने भोजन पर 20% खर्चा किया, वस्त्र पर 15% खर्चा किया और परिवहन पर 10% खर्चा किया। तीन प्रकार का पैसा उसने खर्चा कर दिया। अब अगर कोई पूछे कि अब उसके पास शेष क्या बचा है, शेष बचा धन उसके पास है मान लो 3300, ये शेष बचा हुआ धन। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि उसकी इनकम फिर क्या रही होगी। उसने अपने टोटल इनकम का 20% भोजन पर खर्चा किया, 15% वस्त्र पर खर्चा किया, 10% परिवहन पर खर्चा किया। अब उसके पास बचा है 3300 रुपया, तो उसके पास ओरिजिनली पहले कितना रहा होगा। तो आइए इस फार्मूले में रख देते हैं वैल्यू। एक ही जगह पे हम लिखेंगे 3300 × 100 - x + y + z का मतलब हुआ 20 + 15 + 10। 20 + 15 + 10, अगर आप इसे जोड़ेंगे तो 20, 15, 35, 10, 45 और 100 में से 45 घटाएंगे तो 55 आ जाएगा। यानी फाइनली आप लिख सकते हैं 3300 × 100 / 55। आप देख सकते हैं 55 से यह कट रहा होगा, 11 से काटता हूँ 11, 25, 55, 11, 3, 33 और फिर 5 से काटता हूँ 5, 6, 30, यहाँ 60 आ जाएगा, यहाँ 100 है, गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6000। यानी यह सिद्ध हो गया कि उसके पास 6000 रुपया पहले था। ये रहा सूत्र, और सूत्र के माध्यम से लगाया गया सवाल, आपका उत्तर आ चुका है। और ऐसे कई सारे सवाल बने हुए हैं, इसका एक भाई भी है, उसकी चर्चा अभी मैं करूंगा। लेकिन इसके पहले ये देख लूं कि अगर मान लीजिए ये सूत्र आपको नहीं याद होता तब कितने फ़ायदे में रहते आप। मैं कहता हूँ बहुत फ़ायदे में रहते। कैसे रहते दिखाता हूँ। आप बताइए, उसने 20%, 15%, 10% यानी 45% खर्चा कर दिया। अगर कोई आदमी अपनी आय का 45% खर्चा कर दिया है तो उसके पास अब क्या बचा होगा। कोई भी आदमी बता सकता है कि अब तो 55% बचा होगा। हम कह रहे हैं उसके पास 55% बचा होगा और वो कह रहा मेरे पास 3300 बचा है। इसका मतलब अगर हम यह मान लें कि टोटल मनी उसके पास 100x रही होगी तो इसका 55% यानी 55x उसके पास बचा होगा हमारे हिसाब से, और वो कह रहा है कि हमारे पास 3300 बचा है।
तो अगर आप इसको हल करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 60, और एक्स की वैल्यू 60 को यहाँ रख देंगे तो उत्तर बन जाएगा 6000। आप देख सकते हैं बिना किसी फार्मूले का ये बहुत आसानी से सवाल लगाया जा चुका है। तो ये रहा पहले प्रकार का सवाल। अब अगर इसमें हम दूसरे प्रकार का सवाल लिखें जिसमें शेष का इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या होता है देखिए। क्वेश्चन पर शेष का वाई परसेंट वस्त्र पर तथा शेष का जेड परसेंट परिवहन पर व्यय करता है। बस हमने दो जगह शेष बढ़ा दिया। क्या लिखा, एक व्यक्ति अपनी आय का एक्स परसेंट भोजन पर, शेष का वाई परसेंट वस्त्र पर तथा शेष का जेड परसेंट परिवहन पर व्यय करता है। यदि अब उसके पास ए रुपया बचे हो तो पहले कितना था। इसके लिए जो फार्मूला काम करता है थोड़ा सा बड़ा है इससे। देखो अगर हम इसमें धन निकालना चाहें तो होगा ए गुणा सौ गुणा सौ गुणा सौ अपान सौ माइनस एक्स, सौ माइनस वाई और सौ माइनस जेड। ध्यान रखिएगा जब कभी शेष इस्तेमाल किया जाता है तो हर बार वह वैल्यू सौ में से माइनस किया जाएगा, जबकि इसके पहले जो था जब शेष नहीं था तो सारी वैल्यू को मैंने डायरेक्टली जोड़ लिया था, लेकिन यहाँ डायरेक्टली नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि जो बचा हुआ रकम है, जैसे सपोज करिए कि आपने 20% खर्चा कर दिया तो बचा आपके पास 80%, तो 80% का अगर 20% निकालें तो 20 रुपया नहीं होता है, 16 रुपया होता है। तो शेष बचा 80, 80 का 20% निकालोगे तो वो 16 होगा ना कि 20। इसीलिए अगर पुराने तरीके से लगाएंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। अब इस तरह के एग्जांपल लेकर हम दिखाते हैं। सपोज करिए कि एक्स की वैल्यू यानी भोजन लिख देता हूँ, भोजन पर उसने खर्चा किया है 20%, वस्त्र पर उसने खर्चा किया है 10% और परिवहन पर उसने खर्चा किया है 25%, और उसके पास बचा कितना होगा बताता हूँ। सोच लें सवाल को। ₹3780। मान लीजिए उसके पास ₹3780 बचा होगा तो पहले कितना था, आओ सवाल लगाते। चलो ए की जगह पे हम लिखेंगे 3780 गुणा सौ गुणा सौ गुणा सौ अपान सौ माइनस एक्स। एक्स की जगह पे आप 20 लिखोगे तो 100 में से 20 घटाओगे तो 80, 100 में से 10 घटाओगे वाई माने 10 लिखा है तो 90, और 100 में से जेड यानी 25 घटाओगे तो आएगा 75। बस इसी को हल करना है। चलो शुरू किया जाए। अगर हम ये दोनों जीरो हटा दें तो एक जीरो इसका एक जीरो इसका हट जाएगा। फिर हम चाहें तो 25 चौक के 100, 25 तिया 75 कर सकते हैं। फिर हम चाहें तो 4 दूना 8 भी कर सकते हैं। ओके अब हम चाहें देखो 8 और 7 15 3 18 मतलब 9 से कट जाएगा, हम 9 से इसको काट सकते हैं। 9 चौक 36, 9 दूनी 18। अब आप देखो ये क्या बचा है, नीचे 2 तिया 6 बचा है और 6 7 42 होता है। देखो हम यहाँ लिख सकते हैं 7, तो हमारे पास कितना है 7 आया, एक जीरो यहाँ दो जीरो यहाँ, यानी कुल उत्तर कितना आ गया 7000 रुपया। उसके पास कुल 7000 रुपया पहले था। तो ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, विद्यार्थी इसमें आके गलती कर देते हैं, इसके पहले वाला सही कर देते हैं लेकिन यहाँ पे जाके मिस्टेक हो जाता है। तो क्यों मिस्टेक होता है कि जब भी कभी शेष शब्द आए तो उसे हर बार 100 में से ही घटाया जाता है, ये है तरीका। मान लीजिए हमको सूत्र नहीं आता है तो भी इस सवाल को हमें लगाने में कोई बड़ी समस्या नहीं आती है। कैसे नहीं आती, मान लो हमारे पास पहले, हम दूसरा तरीका बता रहे हैं आपको, मान लीजिए हमारे पास पहले पी रुपया रहा होगा पहले इनिशियली, अब उसने क्या किया 20% कहीं खर्चा कर दिया तो उसके पास बचा कितना होगा 80/100। अब यही कुल धन हमारे पास बचा। अब कह रहा कि ये जो बचा हुआ धन है इसका 10% कहीं और खर्चा कर दिया, अगर इसका 10% कहीं खर्चा कर दिया तो इसका 90% बचा होगा उसके पास। अब यही उसके पास कुल बचा हुआ धन है। अब इस बचे हुए धन का 25% वो कहीं और खर्च करने जा रहा है, इसका मतलब इस बचे हुए धन का 75% उसके पास बचेगा। ये है हमारा सवाल, उसके पास इतना रुपया बचना चाहिए और वो कह रहा है हमारे पास 3780 रुपये बचे।
तो बताओ इससे भी हम हल कर सकते हैं, पी बराबर इस सारी वैल्यू उधर जाएगी, पलट पलट के लिखी जाएगी तो इसी तरह लिखी जाएगी। देखो हम लिख सकते हैं 3780 गुणा 100 बटा 75 गुणा 100 बटा 90 गुणा 100 बटा 80। तो आप देख सकते हो सेम वैल्यू आई है, इसको जब आप काटेंगे तो आ जाएगा 7000। बहुत सिंपल तरीका। एक और रास्ता मैं बताता हूँ, वो और नेचुरल तरीका हुआ। देखो ये हुआ सूत्र, ये हुआ सोच करके लगाना, अब एक हुआ अगर हम चाहें तो इसको नेचुरली सॉल्व कर लें। कैसे? हम यह मान लें कि मान लो उसके पास पहले शुरुआत में 100x रुपए रहे होंगे, इनिशियली उसके पास 100x रुपए थे, इसमें से उसने 20% भोजन पर खर्चा किया। देखो ये नेचुरल वे ऑफ थिंकिंग है, इसको सोचने से फ़ायदा ये भी हो जाएगा कि इसमें तो केवल ये पता चल पा रहा है कि उसके पास इनिशियली कितना था, लेकिन अगर ये सवाल पूछ लिया जाए कि उसने एक्चुअली परिवहन पर कितना खर्चा किया, उसने यात्रा पर कितना खर्चा किया या वस्त्र पर कितना खर्चा किया, तब वो नहीं निकल पा रहा। इससे तो अभी केवल इससे ये केवल मिल पाया कि उसके पास कुल कितना था, लेकिन जो अभी हम तरीका बताने जा रहे हैं इसमें एक एक पॉइंट की वैल्यू बताई जा सकती है बहुत आराम से। देखो उसके पास 100x था, उसने भोजन पर खर्चा किया 20%, बताओ इसका 20% कितना होगा, 20x ये भोजन पर खर्चा किया। अगर उसने 100x में से 20x भोजन पर खर्चा कर ही दिया तो उसके पास बचा कितना होगा, 80x ये बचा होगा। अब इस रकम का 10% वो वस्त्र पर खर्चा करने जा रहा, बताओ 80 का 10% कितना होगा, आप जानते हो 80 का 10% होगा 8x, उसने वस्त्र पर खर्चा किया। अब 80 में से 8x खर्चा हो चुका है, बचा कितना होगा, 72x। अब इस 72x का 25% मतलब एक चौथाई, इसका एक चौथाई होगा 18x, 18x उसने कहाँ खर्चा किया, परिवहन पर खर्चा किया। अब बताओ 72x में से अगर 18x को खर्चा कर ही दिया है तो उसके पास बचा होगा 54x, यही उसके पास रकम बची हो, हमारे हिसाब से यही बची है। और वो सवाल कह रहा है कि उसके पास 3780 रुपये बचा, तो आप ऐसे कह सकते हो 54x बराबर 3780, तो x बराबर हो जाएगा 3780 बटा 54। अब आप इसको काट सकते हैं, 9 से काटो पहले, 9 6 54 और 9 4 36, 9 2 18 और फिर 6 से काट दो, 6 7 42 यानी 70 आ गया, x की वैल्यू 70 आ गई। अगर x की वैल्यू 70 यहाँ रखी जाए तो कुल रकम हो जाएगी उसके पास 7000। अगर x की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो 2 7 1400 रुपये उसने भोजन किया, अगर x की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो 7 8 56 560 रुपये का कपड़ा खरीदा, अगर x की वैल्यू यहाँ रख दिया जाए 8 7 126 1260 रुपये उसने परिवहन पर खर्चा किया। तो आपने देखा ये दोनों टाइप के सवाल बहुत कॉमनली पूछे जाने वाले सवाल हैं। ठीक है, अब हम अगले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं। देखिए एक वेन डायग्राम का सवाल बनता है, अभी आप में से किसी विद्यार्थी ने वेन डायग्राम का सवाल पूछा भी, तो पहले वेन डायग्राम समझ लेते हैं क्या होता है। वेन डायग्राम का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पर कुछ परसेंट कुछ लोग करते हैं, कुछ परसेंट कुछ लोग करते हैं, कुछ परसेंट दोनों लोग करते हैं, या तीन तीन वेन डायग्राम, चार चार वेन डायग्राम आप देखोगे तो वेन डायग्राम तो बड़ा रूप होता है। लेकिन अभी जो आपका सिलेबस है उसमें वेन डायग्राम के 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक के सर्किल के सवाल पूछे गए हैं, तो चलिए हम 2 पर एक सवाल लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बहुत पुराना सवाल है, SSC में एक बार पूछा गया था, उसके बाद से ये हमें भी याद रहा, आप लोगों में से भी कई लोगों को याद होगा। एक कार्यालय में 72% व्यक्ति चाय पीते हैं, 72% व्यक्ति चाय पीते हैं तथा काफी कितना लोग पीते हैं, यही समझना है। 44% लोग काफी पीते हैं, यदि 160 व्यक्ति चाय तथा कॉफी दोनों पीते हैं तो। अब 3 सवाल यहां से पूछा गया, नंबर 1 कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ, दूसरा केवल चाय पीने वालों की संख्या बताओ,
तीसरा, केवल काफ़ी पीने वालों की संख्या बताओ, ये सवाल पूछा जाता है। फिर से सवाल खूब बढ़िया से समझ लीजिए। एक कार्यालय में 72% व्यक्ति चाय पीते हैं, 44% व्यक्ति काफ़ी पीते हैं, और फिर पूछा गया कि 160 व्यक्ति चाय तथा काफ़ी दोनों पीते हैं, तो आपको बताना है कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, केवल चाय पीने वालों की संख्या कितनी है, केवल काफ़ी पीने वालों की संख्या कितनी है। इसको बताने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहला काम ये करोगे कि आपके मन में संदेह पैदा होना चाहिए कि जब 72% लोगों ने चाय पी लिया तो काफ़ी पीने के लिए 44% कहाँ से आए। सोचो, अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं 72 + 44 तो हमारे पास आ रहा है 4 × 4 = 6 और 7 = 11, 116% हो जा रहा है, जबकि आप जानते हो परसेंट 100 ही होता है, टोटल वैल्यू सदैव 100% होती है, और जबकि यहाँ दिख रहा है 116%। इसका सीधा सा मतलब है 16% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय तथा काफ़ी दोनों पी रहे हैं। अब यहीं से हमारा वेन डायग्राम शुरू हो जाएगा। तो ये ऐसा वेन डायग्राम आप बना सकते हैं, ऐसे यहाँ पर आपने लिख दिया चाय, यहाँ पर लिख दिया काफ़ी, अब यहाँ पर बीचों बीच में लिख दिए 16, क्योंकि 16% देखो इस सर्कल में भी है और इस सर्कल में भी है, तो जो इनका इंटरसेक्शन एरिया है उसमें हमने 16 लिख दिया। अब चलो बाकी वैल्यू कैसे लिखी जाएगी। ये सर्कल चाय के लिए है और चाय पीने वाले 72% है, जिसमें से 16 हम लिख चुके हैं, तो अब आपको 72 में से 16 माइनस करके यहाँ लिखना होगा, क्योंकि इस सर्कल के अंदर 72 ही होना चाहिए, और जबकि 16 हम पहले से लिख चुके हैं, तो 72 - 16 आप करिए, 72 - 16 कितना हुआ, 12 - 6 - 6 = 5, यानी आप यहाँ लिख देंगे 56। ऐसे ही ये जो सर्किल है ये सर्किल काफ़ी वालों की है, यानी इस पूरे सर्किल के अंदर 44% लिखा जाना चाहिए, जिसमें 16% लिखा जा चुका है, तो 44 में से 16 घटा के आपको वैल्यू यहाँ लिखना पड़ेगा। तो लिखो घटाओ 44 - 16, 14 - 6 = 8 और 28, यहाँ आपने लिख दिया 28%। क्लियर हो गया। अब हमें साफ साफ नज़र आ रहा है 16% लोग चाय तथा काफ़ी दोनों पीते हैं, और यहाँ क्या लिखा है, 160 व्यक्ति चाय तथा काफ़ी दोनों पीते हैं। क्लियर हुआ। किसी संख्या का, देखो सवाल का उत्तर देने जा रहा हूँ, किसी संख्या का 16% 160 होता है तो संख्या कितनी है, निकाल लो। अरे यही से काट दो यार, 16 × 2 = 160, 1000, कुल संख्या कितनी आ गई, 1000, यानी कुल मिलाकर, सॉरी कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी आ गई, 1000। अब केवल चाय पीने वाले कितने, 56% है, 1000 का 56% जब आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 560 व्यक्ति केवल चाय पी रहे हैं, 28% केवल काफ़ी पीते हैं, अगर 1000 का 28% निकालोगे तो 280 लोग केवल काफ़ी पीते हैं, 560 लोग केवल चाय पीते हैं, 280 लोग केवल काफ़ी पीते हैं, इसको जब जोड़ोगे तब जो वैल्यू आएगी उसमें 160 मिलाओगे तब 1000 होगा, और यही 160 है तो चाय तथा काफ़ी दोनों पीता है। मेरे ख्याल से ये सवाल आपको समझ में आया होगा। इस तरह के बहुत सारे सवाल आपको परसेंटेज के PDF में मिल जाएंगे, हमने जो PDF आपको भेज रखा है, ठीक है। यहाँ तक बात हो गई, इस पर एक सवाल और कर लेता हूँ, वो परीक्षा में नंबर पाने को लेकर के सवाल बनाया जाता है। मुख्यतः यही 2-3 प्रकार के सवाल यहाँ से बनते हैं, जो कि बार बार आते हैं, संख्या बदल बदल के आते हैं, और विद्यार्थी उसी में कन्फ्यूज भी होते रहते हैं। तो परीक्षा से संबंधित एक सवाल लिखता हूँ। किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में पास हुए तथा 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, यदि 27% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए तथा 620 छात्र दोनों विषयों में पास हुए, तो कुल छात्रों की संख्या बताओ, ये सवाल पूछा गया। सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। मैंने लिखा
किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में पास हुए, 65% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 27% छात्र दोनों विषयों में फेल हो गए। यदि 620 छात्र दोनों विषयों में पास हो गए तो कुल छात्रों की संख्या बताओ। बहुत आराम से बताया जा सकता है। आप सबसे पहले एक छोटा सा ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ कैसे, यहाँ मैं लिख देता हूँ पास, यहाँ लिख देता हूँ फेल, और यहाँ लिख देता हूँ गणित, यहाँ लिख दिया अंग्रेजी। गणित में पास कितना हुआ, 70%, इसका मतलब फेल कितना हुआ, 30%। ऐसे अंग्रेजी में पास हुआ 65%, फेल कितना हुआ, 35%। देखो गणित में 30% फेल हुआ, अंग्रेजी में 35% फेल हुआ, और 27% दोनों विषयों में फेल हुआ। दरअसल ये फेल पास हमें क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि आपने देखा होगा जब आप कभी दो सर्कल बनाएंगे इंटरसेक्शन करते हुए, कुल तीन खाने बनकर तैयार होते हैं, यानी तीनों के अंदर हमको वैल्यू भरनी होती है। तो जो जानकारी हमें तीनों की मिल जाएगी उसी का हमको डायग्राम बनाना चाहिए। तो देखो फेलुओं का डायग्राम देखा जाए तो ये तीनों वैल्यू हमको मिल चुकी है, तो हम एक फेलुओं का डायग्राम बनाएंगे, हमें यही पता चल जाए कि कुल कितना लोग फेल हुए, तो भी तो हम पास वाला निकाल लेंगे, क्योंकि पास ही फेल तो होता है। तो अब हम यहाँ ऐसे एक डायग्राम बनाते हैं, और ऐसे फेलुओं का डायग्राम ध्यान रखिएगा, फेल छात्रों का ये डायग्राम बन रहा है। यहाँ मैंने लिख दिया गणित, यहाँ मैंने लिख दिया अंग्रेजी, और मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ 27% दोनों फेल हुए, तो मैं बीच में लिख दे रहा हूँ 27। अब बताइए ये गणित का सेक्शन है, गणित में कुल 30% फेल हुए थे जिसमें 27 लिखा जा चुका है, तो यहाँ बचा कितना, केवल 3। और ये अंग्रेजी है, अंग्रेजी में कुल 35% फेल हुए हैं जिसमें 27 लिखा जा चुका है, तो ये कितना लिखा जाएगा, 8। अब आप देख लो कुल मिलाकर कितने फेल हुए, 27 3 30 8 38, 38% छात्र फेल हो चुके हैं। किसी परीक्षा में अगर 38% छात्र फेल हो चुके हैं तो पास कितने हुए, 100% होते हैं टोटल, और 100% में से 38% फेल हो चुके हैं, इसका मतलब 62% पास हो चुके हैं। अगर 62% पास हो चुके हैं और उनकी संख्या 620 है, लिखा हुआ 620 छात्र पास हुए, तो बताओ कुल कितने विद्यार्थी थे। आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि मान लो पूर्णांक यानी कुल संख्या रही होगी x, x का 62% बराबर 620, आप काट दीजिए 10 बार में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1000, यानी कुल मिलाकर 1000 छात्र थे उस परीक्षा में। आप देख रहे होंगे एक सामान्य सा सवाल मैं लेता हूँ जिसमें बहुत ईजी वे में आंसर बन जाता है, तो आपका मतलब ये होगा यहाँ से आपको समझना है कि सवाल हम कैसे हैंडल करते हैं। अगर ये हैंडल करना समझ में आ गया तो किसी भी सवाल को फिर हल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। आइए अब अगर हम देखें तो हमारे पास अब परसेंटेज में मुख्यतः दो प्रकार के सवाल और बच रहे हैं। दो प्रकार में से एक है मिश्रण के सवाल और दूसरा है अनुपात के सवाल। तो चलिए पहले मिश्रण का सवाल कर लेते हैं। मिश्रण का भी कोई चर्चित एक क्वेश्चन मुझे दिखाई याद पड़ रहा है शायद। सेविंग लोशन के 9 ग्राम मिश्रण में 50% अल्कोहल है। ध्यान से सुनिएगा, सेविंग लोशन के 9 ग्राम मिश्रण में 50% अल्कोहल है, इसमें कितना पानी मिला दें, कितना पानी मिला दें कि अल्कोहल 30% रह जाए। यह सवाल है। शेविंग लोशन, दाढ़ी बनाने के बाद में एक लोशन लगाते हैं तो उसमें अल्कोहल ज़्यादा होता है, तो अगर कहीं कटा होगा तो बहुत ज़ोर से जलन होने लगती है, तो ग्राहक उठकर भागने लगेगा कि मैं तुम्हारे यहाँ से शेविंग नहीं कराऊँगा। तो वो क्या कहा होगा, नाऊ जो रहा होगा बार बार, उसने कहा होगा कोई बात नहीं बेटा, रुक जाओ, मैं इसमें पानी मिला के डायलूट कर लेता हूँ, तो अब तुमको केवल 30% अल्कोहल मिल पाएगा, है ना। आजकल सैनिटाइजर चल रहा है, आप देखेंगे सैनिटाइजर में 60% के एवब अल्कोहल होना चाहिए, तभी जाके वो कीड़े मरे हैं। अब पता नहीं मर रहे हैं, देख रहे हम तो दिखाई नहीं पड़ता हम लोगों को,
तो अब आप देखिए इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि 9 ग्राम को 50% अल्कोहल है, इसका मतलब बाकी 50% पानी है। तो पहले आधा आधा कर लो आप। 9 ग्राम को अगर 50% 9 ग्राम का निकाला जाए तो कितना आएगा, 4.5 ग्राम आएगा। तो देखो मैं अल्कोहल लिख रहा हूँ ऊपर अल्कोहल और नीचे लिख रहा हूँ पानी। तो अल्कोहल है कितना, 50% यानी 4.5 ग्राम है, और पानी कितना है वो भी 4.5 ग्राम है। ठीक है, दोनों अलग अलग हमने लिख दिया, अल्कोहल अलग पानी अलग। अब कह रहे हैं कि पानी कितना मिला दिया जाए, हमको नहीं पता, तो हम एक्स ग्राम मिला दे रहे हैं पानी, हो गया काम हमारा। अब ये अल्कोहल है, ये पानी। अब ये कन्फर्म होगा कि अल्कोहल 30% है, अगर अल्कोहल 30% है तो पानी 70%। फिनिश, हो गया सवाल। इतना बड़ा सवाल इतनी आसानी से सॉल्व हो चुका है। अब हम जीरो हटा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू हाजिर हो जाएगी। चलो करते हैं गुणा, 3 का गुणा इधर करो, 3 × 5 = 15, 3 × 12 = 13, प्लस 3x = 7 × 5 = 35, 3 × 7 = 28, 3 = 31। अब बताओ 3x = ये वैल्यू उधर लेकर जाओ कितना आ जाएगा, 11 में से 3 घटाए 8, 18 आ जाएगा। 3x = 18, तो x = 6। यानी बहुत आराम से आप कह सकते हो कि अगर उसमें 6 ग्राम पानी मिला दिया जाए तो क्या होगा कि अल्कोहल केवल 30% रह जाएगा, पानी की मात्रा 70% हो जाएगी। तो ये है मिश्रण के सवाल, बहुत आसानी से आप इसको लगा सकते हैं। एक मिश्रण का ऐसा भी सवाल बनता है जैसे कोई सॉल्यूशन है, नमक पानी का है या चीनी पानी का है, उसको उबाल दिया जाए, उबालेंगे तो उसका पानी उड़ जाएगा, तो जो जो भी चीज़ का वो मिश्रण रहेगा उसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। जैसे अगर नमक का घोल है तो नमक की सांद्रता बढ़ जाएगी, या चीनी का घोल है तो चीनी की सांद्रता बढ़ जाएगी। एक सवाल इस पर भी देख लेते हैं, आपको जो हमने PDF दे रखा है उसमें ढेर सारे सवाल इस पर मिल जाएंगे, जरूर कोशिश करिएगा। देखिए नमक तथा पानी के 6 लीटर मिश्रण में 5% नमक है, 6 लीटर मिश्रण है उसमें 5% नमक है, घोल को गर्म करके एक लीटर पानी वाष्पित कर दिया गया, अब नमक का प्रतिशत बताएं। सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा कि 6 लीटर टोटल था और 6 लीटर में से नमक 5% था, अब उसे गर्म किया गया, तो पानी उसमें से 1 लीटर उड़ गया, 1 लीटर पानी उड़ गया। अब जो बाकी पानी बचा उसमें नमक का परसेंटेज तो बढ़ा ही होगा, कन्फर्म बढ़ा होगा। कैसे पता चलेगा, सबसे पहले ये कह रहा 6 लीटर मिश्रण में 5% नमक है, तो नमक की मात्रा पहले निकाल लो कितनी है। बताओ अगर हम 6 का 5% निकालें, 6×5 = 10 में आंसर आ जाएगा। अगर आप 10 से बचना चाहते हैं तो एक तरीका ये है कि आप इस लीटर को ml बना दो, 1 लीटर = 1000 ml होता है, देखो ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप इसको मिलीलीटर में बदलिए, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों का दशमलव के साथ थोड़ा कम बिहेव है, तो हम क्या करते हैं कि उसको दशमलव आने ही नहीं देंगे सवाल में, और तब भी आंसर बन जाए। तो 1 लीटर = 1000 ml होता है, तो 6 लीटर = 6000 ml हो जाएगा। अब 6000 ml में 5% नमक है, यानी कितना नमक है, 300 ml नमक है, कन्फर्म हो गया 300 ml नमक है। आपको यह पता ध्यान रखना होगा कि जब कभी हम घोल को गर्म करेंगे तो केवल पानी उड़ेगा, नमक नहीं उड़ेगा। तो इसका मतलब जो भी हमारा नया सॉल्यूशन बना तैयार हुआ 5 लीटर का, उसके अंदर 300 ml नमक तो है ही है, और सॉल्यूशन अब कितना बच गया, 5000 ml बचा, 1 लीटर तो उड़ गया ना, 5000 बचा, और गुणा 100 नमक की मात्रा बटे नया सॉल्यूशन की मात्रा, और गुणा 100 काट दिए, परसेंट आ गया। 00 यहाँ से कट गया, 00 यहाँ से कट गया, 5×6 = 30, आपका उत्तर आ गया 6%। यानी अब आप कह सकते हो कि जो नया सॉल्यूशन तैयार हुआ है 1 लीटर उड़ाने के बाद उसमें नमक की मात्रा है 6%। तो बहुत आसानी से इस तरह के सवाल को आप समझ सकते हैं। अब आएगा आपका, वो है आपका रेशियो वाला तरीका। रेशियो में क्या होता है कि कुछ रेशियो दे दिया जाता है। एक छोटा सवाल मैं देता हूँ, किसी कक्षा में
कक्षा में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 है, रेशो दिया 20% छात्र तथा 30% छात्रा को क्या मिलता, छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप मिलता है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को, विद्यार्थियों को, छात्र न कह करके अब हम विद्यार्थी लिखते, कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, ये सवाल है आपका, छात्रवृत्ति नहीं मिलती। जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको ये सवाल इस तरह का मिल जाएगा। फिर से पढ़ दूँ, किसी कक्षा में छात्र तथा छात्राओं का अनुपात 3:2 है, 20% छात्र तथा 30% छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती। देखो रेशियो के साथ में आप जानते होंगे कि 3 है तो 3x और 2x लिखा जाता है। मैं कहूँगा परसेंटेज के क्वेश्चन में अगर कहीं रेशियो आ जाए तो उसको 3x 2x ना माने, बल्कि 300-200 मान लें, 3000-2000 मान लें। बड़ी संख्या से आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से उत्तर आएगा। आप इसको मान लें 300 और इसको मान लें 200, यानी 300 लड़का है और 200 लड़की है, कुल बच्चे कितने हैं 500, कन्फर्म हुआ। अब बताओ इस 300 में से 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलती है, बताओ इसमें 20% को मिलती है इसका मतलब 80% को नहीं मिलती है। बोलो बोलो, अगर ये 300 लड़के हैं इसके 20% लोगों को छात्रवृत्ति मिलती है, इसका मतलब 80% को नहीं मिलती है, तो बताओ इसका 80% कितना होगा, 8 × 3 = 24, 240 इनको नहीं मिलती, निकालना समझ रहे हो ना। देखो 300 का 80/100 काटेंगे, 00 कट जाएगा, 8 × 3 = 24, 240। लड़कियों में क्या हो रहा है कि 30% छात्राओं को मिलता है, अगर 30% को मिलता है इसका मतलब 70% को नहीं मिलता है, तो जरा 70% निकाल लीजिए, 7 × 2 = 14, 140, यानी 240 लड़के को और 140 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, यानी कुल कितने बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, अगर इसको हम जोड़ें तो 280 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही, और कुल बच्चे हैं 500, कितने परसेंट हुए आओ देखते हैं, 380/500 × 100 काट दी, हो गया 5×35 = 3, 5×31 ठीक है, 76% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती, तरीका नंबर एक। तरीका नंबर दो भी है, आपको अगर लगता है कि गिनतियां बड़ी बड़ी हैं थोड़ी छोटी छोटी कर लेते हैं, आओ देखते हैं इसी सवाल को, अगर हम चाहें तो इसको ऐसे भी सोच लें कि 20% को मिलती है, 20 यानी 2×3 = 6 कितना हुआ, 60 लोगों को मिलती है, और इसमें 30% को मिलती है, 3×2 = 6 यहाँ 60 को मिलती है, 120 को मिलती है, 500 में से 120 को मिलती है, कै परसेंट हुआ भाई, 120 को मिलती है 500 में से कै परसेंट हुआ, 5×10 = 5, 24% को छात्रवृत्ति मिल रही है। अगर किसी स्कूल में 24% लोगों को छात्रवृत्ति मिल रही है, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 76% को नहीं मिल रही है। तो ये आपके सवाल हो गए जो हमें इस टाइप के सवाल करवाने थे। अभी तो बहुत सवाल आप लोग पूछेंगे, हम बताएंगे, अभी कुछ सवाल हमें मिला भी है, कुछ लड़कों ने भेजा है, हालांकि उसका हल भी लोगों ने दिया है, लेकिन उसका सलूशन हम कर दे रहे हैं, आओ देखते हैं। जो मेरे पास सवाल आया है वो एक सवाल है, खोल दो भाई, एक 87 नंबर क्वेश्चन है, हालांकि किसी ने उसका जवाब दिया है शायद, एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है, उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से फेल हो गया। भाई मान लो कुल अंक 100x रहे होंगे, मेरा सिंपल तरीका बता रहा हूँ, कुल अंक 100x रहे होंगे, 30% उसे प्राप्त करना था, कितना पाना था, 30x पाना चाहिए था, वो बच्चा पाया कितना, 25%, यानी 25x पाया। अब कह रहे 40 नंबर से फेल हो गया, मतलब अगर इस बच्चे को 40 नंबर दे दिया जाए तो पास हो जाएगा, और अगर वो 30% पाता तब भी पास हो जाता, और अगर 25% में 40 नंबर जुड़ जाता तब भी पास हो जाता, यानी ये दोनों बातें बराबर हो गया कि नहीं।
अब ये 25x को इधर लाओ तो 5x बराबर 40 हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा, x बराबर 8 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना आ गया 800। हल हो चुका है, क्या पूछा गया था, हो गया। अधिकतम अंक बताओ, अधिकतम अंक आपका 800 आ गया। इतना छोटा सवाल होता है, देख लीजिए आप सवाल ऐसे ही बनते हैं। दूसरे में एक विद्यार्थी ने पूछा, 92 नंबर सवाल है, 92। किसी परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किया और 25 नंबर ज़्यादा पा गया। पास होने के लिए अंक कितना परसेंट अंक चाहिए? हम ऐसे सवाल कर चुके हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कुल पूर्णांक 100x रहा होगा, मान लें। अब देखो, जो 30% पाया यानी 30x पाया, वो कितने अंकों से फेल हो रहा है? 25 अंकों से फेल हो रहा है, यानी इसको 25 नंबर दे दिया तो जस्ट पास हो जाएगा। एक दूसरा बच्चा है जो 40% अंक पाया है, 40x, और वह जो है पास होने की अपेक्षा 25 नंबर ज़्यादा पा गया, यानी इसमें से अगर हम 25 नंबर निकाल दें तब भी ये जस्ट पास हो जाएगा। हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, जस्ट पास क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि हमको दरअसल बीच में बराबर चिन्ह लगाना, हम चाहते हैं यहाँ भी बच्चा जस्ट पास हो जाए, यहाँ भी बच्चा जस्ट पास हो, दोनों बीच बराबर चिन्ह लगा दें। दरअसल गणित में जब तक बराबर का चिन्ह नहीं आएगा तब तक आप सोल्यूशन कैसे निकालेंगे? अब देखो, पक्षांतर करना कितना आसान हो गया। इस 30x को इधर लेकर जाएं तो 10x बचेगा, और -25 इधर लेकर आएं तो 50 बचेगा। 10x बराबर 50 तो x बराबर 5 हो जाएगा, x बराबर 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 500, यानी हमको मिल गया पूर्णांक 500। अभी उत्तर नहीं आया, उत्तर में ये पूछा है कि उत्तीर्णांक प्रतिशत बता दो, कितने परसेंट पाकर बच्चा पास हो जाएगा। तो इस 5 की वैल्यू हम चाहे यहाँ रख देंगे और चाहे यहाँ रख देंगे, दोनों जगह पास ही हुआ बच्चा। मान लो यहाँ रख दें तो 30 × 150 = 25, 175, यानी 500 में से अगर 175 नंबर पा जाए तो पास हो जाएगा। यहाँ भी रख सकते हो, 5 × 20 200 में से 25 घटाओ तब भी 175। अब आपको यह तय करना पड़ेगा 175/500 और गुणा 100, काट दीजिए तो भी पता चल जाए कितने परसेंट पर बच्चा पास हो जाएगा। देखो, 5 × 3 = 15, 5 × 5 = 25, यानी अगर वो 35% नंबर पाया होता तो जस्ट पास हो जाता। ये आपका है 92 नंबर सवाल, इसका तीसरा ऑप्शन सही जा रहा। 93 नंबर सवाल है, एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों का 80% में से 8 अंक कम प्राप्त होता, 80% से 8 अंक कम प्राप्त हुआ, और रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त हुआ। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या बताएं, जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2x है। अच्छा बताइए आप, कितना मज़ेदार है, प्राप्तांकों का अंतर कितना है, आओ हल करते हैं। अस्सी परसेंट से 8 अंक कम प्राप्त हुआ, मान लो कुल अंक 100x रहा होगा, तो एक बच्चे को कितना मिला है 80x - 8 मिला है, और दूसरे को कितना मिला है 70x + 5 मिला है, यही तो मिला है। अब इन दोनों के प्राप्तांकों का अंतर कितना है, 2 है। मैं यहां 2 लिखता, हल कर लो। अब जब आप हल करोगे तो अब ये अलग बात है कि अभी हमको नहीं पता है कि कौन सी गिनती बड़ी है, तो हमसे क्या मतलब, बस हम लिख दिए, देखा जाएगा। और चलो हल करते हैं, 80x - 8 - 70x, और ये -5 हो जाएगा और बराबर 2। 80 में से 70 घटाओगे 10x बचेगा, और -8 - 5 - 13 हो जाएगा, और -13 उधर जाएगा तो +13 हो जाएगा, और +13 में से +13 + 2 + 15 हो जाएगा। अब बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.5, और हमको बताना कितना, ये हो जाएगा 150। पूछा क्या गया था, रवि को प्राप्त संखों के अंक क्या बताओ, अंकों की संख्या, रवि को क्या मिला, तो रवि कौन है, हरि ये है और रवि ये है, सेकेंड वाला ये है रवि। तो बताओ जब हमको x की वैल्यू 1.5 मिल गई तो रवि के अंक मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे, 70 × 1.5 + 5, यही रवि को मिला, और गुणा कर लेते हैं, ये 0 हटा दो, 15 × 7 = 105 और +5, 110 नंबर मिला हरि को। कहीं विकल्प दिख रहा, हाँ जी दूसरा विकल्प दिख रहा है ना, मज़ेदार। अब 94 नंबर सवाल पूछा है, किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हो गए, ठीक है, किसी दूसरे विद्यालय में से पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 विद्यार्थी अधिक परीक्षा में बैठे तथा पहले विद्यालय की अपेक्षा 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, दूसरे विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रतिशत जो पास हुए हैं,
अच्छा सवाल है, कह रहा किसी विद्यालय में 75% विद्यार्थी पास हुए तथा 20 फेल हुए। अच्छा बताओ, अगर 75% विद्यार्थी पास हो गए तो फेल कितना हुए? 25%। बोलो बोलो, अगर 25% फेल हुए यानी 25x, अगर कुल 100x हम मान लेते हैं, तो 25x की वैल्यू अगर 20 है तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/5। तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80। यानी पहले विद्यालय में हमारे पास कुल 80 बच्चे हैं। फिर से समझा, मैंने मान लिया कुल बच्चे 100x रहे होंगे, 100x में से 75% पास हो गए यानी 75x पास हो गए, तो फेल कितना हुए होंगे? 25x। हमारे हिसाब से 25x फेल हुए और कह रहा 20 बच्चे फेल हुए। 25x = 20, तो x बराबर हो जाएगा 20/25, काटोगे 4/5 आ जाएगा, x की वैल्यू 4/5 है, 100x की वैल्यू 80 हो गया, यानी पहले विद्यालय में कुल 80 बच्चे हैं। अब कह रहा है कि दूसरे विद्यालय में पहले विद्यालय की अपेक्षा 20 अधिक बच्चे बैठे हैं, यानी इसमें 80 बैठे हैं तो इसमें कितना बैठे होंगे? 100 बैठे। और फिर क्या कह रहा है, पहले विद्यालय की अपेक्षा इसमें 10% 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए। बताओ इसमें कितना पास हुए थे भाई? अगर कुल 100 बच्चे हैं, 80 बच्चे थे और 80 का 75% पास हुए थे तो कितना पास हुए थे? 60 बच्चे। बोलो बोलो, कुल 80 थे, 80 में से 20 फेल हुए थे, 60 पास हुए थे, और इसमें कह रहा 10% अधिक पास हुए, 10 विद्यार्थी अधिक पास हुए, यानी इसमें कितना पास हुए? मैंने 100 कुल बच्चे हैं और 60 उसमें पास हुए थे और 10 इसमें और पास हुए, यानी 70 पास हुए। बताओ 100 में से 70 पास हुए, बताओ कै परसेंट हुआ? 70% हुआ। इस विद्यालय का रिजल्ट कितना आया? 70%। काम खत्म। तो आपका ये दूसरा सवाल था। अब देख लेता हूँ, दो सवाल हमारे पास और हैं। वो एक OPG हैं, उन्होंने सवाल पूछा है, लिखा है एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सज़ा मिली। कोई शहर रहा होगा, उसके शहर में 10% विद्यार्थियों, 10% नागरिकों को अपराध की सज़ा मिली, 10% को। अच्छा मान लो 100 लोग रहे होंगे उसमें, मैं मान लिया 100 लोग थे उसमें और 10% को अपराध की सज़ा मिली, तो कितने अपराधी हो गए? 10 अपराधी हुए कि नहीं हुए? 100 अगर हम कुल संख्या मान लें तो 10% अपराधी हुए, तो 10 अपराधी हो गए। करा कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद भी बच जाते हैं, 20% बच जाते हैं, यानी 80% को सज़ा मिलती है। सवाल क्या पूछा गया, नागरिकों कुल संख्या कितने % अपराधी हैं? ये बड़ी मज़ेदार बात है, यहाँ पर अंग्रेजी भाषा होता तो और अच्छा होता। कह रहा है कि कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सज़ा मिली है। अच्छा, अपराध की सज़ा मिली है, यानी 80% को सज़ा मिली, क्योंकि 20% तो बच जाते हैं। इसका मतलब हुआ किसी संख्या का 80% बराबर 10 है। ये हम अपराधी की संख्या निकाल देंगे, कुल अपराधी एक्स रहे होंगे, उसका 80% 80/100, उसका 80% 10 होता है, तो फिर x बराबर क्या होगा? 10 × 100/80, 20 × 25 100, 20 × 80, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 25/2, 25/2 का मतलब 12.5, यानी कुल क्योंकि 100 लोग थे तो हम कह सकते हैं कुल 12.5% अपराधी थे। पहला विकल्प आपका सही चला जाएगा। सवाल क्लियर हुआ? कोई समस्या आई फिर पूछिएगा। अगला सवाल देखते हैं, लिखा एक तीर अंदाज सटीकता के एक निश्चित प्रतिशत पर लक्ष्य भेज सकता है, अगर मौसम तूफानी हो जाता है तो उसकी सटीकता 20% कम हो जाती है, ठीक है, 20% से कम हो जाती है। अगर वह तूफानी मौसम में 350-60 में से 196 लक्ष्य भेज सकता है। अच्छा बताओ, 350 में से 196 मारा और ये जो 196 सही किया है ये 20% कम 60 है, यानी 80% है। सोचो अब, है ना, तो सामान्य परिस्थिति में 250-60 लक्ष्य भेजने के लिए उसकी मारक दर कितनी होनी चाहिए सामान्य परिस्थिति में? तो आओ पहले समझ लिया जा कि कह रहा है कि 350 में से 196 बार लक्ष्य भेज सकता है। देखो तो हम लिख सकते हैं 196/350 × 100, क्या है ये, काटो जरा, कट रहा है, 7 × 2 = 14, 7 × 5 = 35, 14, 7 × 8 = 56, 5 × 2 = 10,
28 दुना 56 देख रहे। जब वो 20% कम कितना आया 56% सोचो आप, यानी उसकी जो मारक दर कितनी है, कह रहा 20% कम मारा है तब जाके 56% हुआ, यानी पहले कितना था, यानी जो उसकी मारक दर है, मारक दर निकाल लेते हैं, देखो मारक दर गुणा 80/100 बराबर 56 है, तो दर मारक दर कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 56 × 100/80, 20 × 25 = 100, 20 × 80 4 × 4 = 16, 14 × 25 = 70, यानी वो 70% वो सही मार सकता है। अगर 100 बार मारेगा तो 70 निशाने उसके सही जाते हैं। अब उसका कहना है कि सामान्य परिस्थिति में वो 250-60 मारना चाहता है, 250 सही भेदना चाहता, तो कितना उसके पास टोटल होना चाहिए जिससे उसका, कह रहा है कि तो सामान्य परिस्थिति में 250-60 में लक्ष्य भेदने के लिए उसकी मारक दर क्या होती है, 250 का 70% हमको निकाल देना चाहिए बस, 25 × 7 = 175, वो 175 सही मार पाएगा, बी विकल्प सही चला गया। एक बार मैं फिर से बता दूं, एक बार फिर से सुनिए, सवाल ये है, ये SI का है, UPSI का पेपर का है। एक तीर अंदाज सटीकता के निश्चित प्रतिशत लक्ष्य भेद सकता है, अगर तूफानी मौसम हो जाए तो सटीकता 20% कम हो जाती है। उसने 350-60 में तूफानी मौसम में 196 सही किया, तो हमने क्या किया, 196 का परसेंट निकाल लिया, तो पता चलेगा 56% यहाँ उसकी सटीकता थी, और ये 56 सटीकता जो थी उसकी जो सामान्य मारक दर है उसका 80% थी, यानी सामान्य मारक दर उसका 70% है, यानी वो 70% सही निशाने भेज सकता है। उसको 250 मौके दिए गए और वो 70% सही करेगा सामान्य मौसम में, इसका मतलब 175-60 को सही कर पाएगा। तो विद्यार्थियों देखिए पेड बैच का यह कैसा फ़ायदा हुआ कि आप में से सवाल लोग पूछ रहे हैं, बड़े काम की चीज़ है, पहले पूछते भी नहीं थे, अब पूछने लगे, बहुत अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।